सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आपका होस्ट, आपको दोस्त पर आपका स्वागत करता है अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज है 3 सितंबर और अभी बजे हैं सुबह के 9:04। तो आपको पता है एज़ यूजुअल सुबह सुबह क्या होता है। तो अभी चाय की तैयारी करते हैं, चाय बनाते हैं, चाय पीते हैं और फिर आज जो वो बाइक का काम है वो करवाएंगे, कॉस्मेटिक चेंज करवाना। उसमें बताया था जैसे मैंने पिछले व्लॉग में, तो उसकी LEDs चेंज करानी है, सॉरी उसमें क्या बोलते हैं, हेडलाइट्स चेंज करानी है, हेलोजन बल्ब से LED कराना है। तो खाना वाना खा के करीब जिस बंदे का मैं चेंज कराऊँगा वो बंदे ने बोला कि 2 से 2:30 के बीच में आ जाना, तो 1 आध घंटा लगेगा। तो देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में, और अगर वीडियोस अच्छे लगे मेरे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट दिखाइए प्लीज़ अपना, और हेल्प कीजिए मेरा सैनिटाइज सॉरी मोनेटाइज करने में मेरा चैनल। तो आइए चलिए चाय पीते हैं और उसके बाद देखते हैं, आज कुछ कपड़े धोने के हैं तो कपड़े भी धो लूँगा, नहीं तो रूम की साफ़ सफाई तो कर ही ली है। एक थोड़ा सा हेलमेट और साफ़ करना है तो वो हेलमेट साफ़ कर लेता हूँ, और शूज़ अपने राइडिंग बूट साफ़ करना है वो कर लेता हूँ, क्योंकि आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ, आज पाँव भी थोड़े अच्छे हैं तो इसके कारण, और शोल्डर वोल्डर में भी पेन नहीं है कहीं भी। तो देखते हैं आज का दिन कैसा निकलता है। तो बने रहिए मेरे साथ, स्टे ट्यून्ड रहिए और देखते रहिए मेरे डेली ब्लॉग्स। तो अपनी चाय उबल रही है तो बस इसको छानते हैं, पीते हैं और पीते पीते आपसे बातचीत करते हैं। तो चलिए, तो गाइस ये रही चाय। मज़ा आ गया, कम शक्कर की है, ज़्यादा शक्कर आजकल डालता नहीं हूँ मैं, बहुत ज़्यादा मीठी हो जाती ज़्यादा शक्कर से, फिर मज़ा नहीं आता है चाय में, तो ऐसा है। तो ये सीन है आज का। तो आज तो खाना घर पे ही बनाऊंगा, आज सोच रहा हूँ आलू टमाटर रखे हुए हैं तो आलू टमाटर की सब्जी और रोटी बनाता हूँ मस्त बड़े, बहुत दिनों का अपना हाथ की रोटी नहीं खाई। परसों के दिन सब्जी तो बना ली थी, भिंडी की सब्जी बनाई थी, लेकिन रोटी बाहर से ले आया था, तो आज रोटी सब्जी पूरा फुल खाना आज मैं ही बनाता हूँ अपने लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ और देखते हैं आज कैसा दिन निकलता है, क्योंकि यार मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, बारिश आ नहीं रही है, बादल हो रहे हैं, तो मौसम को एंजॉय करते हैं और अपने काम चालू करते हैं। तो अभी बस ये चाय पी के बर्तन मांझ के हेलमेट वेलमेट सब साफ करता हूँ और फिर नहाने धोने का कार्यक्रम करते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हो, बूट्स साफ कर दिए हैं मैंने अच्छे से जितना हो सका, और ये हेलमेट है, हेलमेट भी साफ़ हो चुका है। बस इसमें जो ये एंटी ग्लेयर ग्लास है बस इसको निकालना है एक बार साफ़ सफाई के लिए, तो ऐसा कुछ दिख रहा है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा ही होगा मेरा हेलमेट जब मैंने अनबॉक्स किया था इसको, मस्त लगता है जब भी देखो इसको, मस्त ही लगता है बड़ा अच्छा। हाँ मैंने आपको बताया था ना कि चिन का, तो ये देखिए ये चिन माउंट मैंने मंगवाया था इसके लिए, बिल्कुल 3M टेप से फिक्स है ये। ब्लू आर्मर का है ये, तो बताइएगा कैसा है। सो गाइस अपना नहाना धोना तो हो चुका है और थोड़ा सा पीछे घर सामने की साइड है ना, रिनोवेशन का काम चल रहा है तो ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो मैं खाना बनाता हूँ,
खाता हूँ और उसके बाद फिर अपन चलते हैं बाइक वाले भैया के पास जिनकी शॉप है उस पर, वहाँ पर एलईडी का काम कराना, बाइक का काम कराना, मतलब बाइक में एलईडी का काम कराना। तो फिर आप लोगों से डायरेक्ट उधर ही मिलता हूँ, तैयार हो, क्योंकि यहाँ अभी ब्लॉग करना थोड़ा मुश्किल जाएगा क्योंकि जस्ट सामने ही हो रहा है मेरे रूम के, तो बहुत आवाज़ आएगी तो डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा होगा, इसके कारण मुश्किल होगा। तो चलिए मिलता हूँ फिर आप लोगों से, खाना बनाता हूँ और खाना खाने के बाद मिलता हूँ। ओके सो गाइस, गाड़ी का काम करा के बस अभी आया हूँ मैं, तो आप लोगों को भी बताऊँगा लेकिन थोड़ा सा अंधेरा हो जाए उसके बाद बताता हूँ कि एलईडी कैसे काम कर रही है मेरी गाड़ी पे। खुशी तो बहुत हो रही है, अभी चला के भी आया हूँ थोड़ा सा, लेकिन अंधेरा काम है। जब पूरा 8-9 बजे है ना, मतलब डार्क हो जाएगा जिस दिन, उस रात को फिर मैं ना थोड़ा सा निकलूँगा गाड़ी लेके, तब फिर समझ में आएगा कि कैसा क्या रहेगा। लेकिन आप लोगों को बताऊँगा ज़रूर आज मैं कि एलईडी कैसी लग रही है गाड़ी पे, बाइक पे। और बाइक पे बताऊँ, बाइक जब देखेंगे आप तब समझ जाएंगे क्या क्या करवाया मैंने, कैसे क्या करवाया। तो ये है गाइस एलईडी लगवाई जो मैंने, देख सकते हैं आप, तो ये इतना उजाला दे रही है। तो ये इसका डिपर जो आपका, तो जैसे कि आप देख रहे हैं बर्तन मैंने साबुन तो इसमें लगा दिए, बस पानी से धोना बाकी है, वो धो लेते हैं। उधर पीछे दूध गर्म हो रहा है, अब भाई अकेला आदमी जो रहता है उसमें ये सब तो करना ही पड़ता है, बर्तन धोना और ये सब। तो ये कंप्लीट हो गया अपना बर्तन का काम, तो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते पानी होगा। तो प्याज काटते हुए आप लोगों को भी बताता हूँ मैं कि मैं कैसे बनाता हूँ। तो प्याज कट गए, उसके बाद टमाटर थोड़ा सा भूने, तो दोस्तों प्याज कट चुके हैं, टमाटर कट चुके हैं और दाल चावल को भी मैंने मस्त बढ़िया धो के रख दिया है। थोड़ा सा दूध ठंडा हो जाए उसके बाद कुकर चढ़ाते हैं और खिचड़ी बनाने का प्रोग्राम चालू करते हैं। गैस चालू कर दी, ये रखा कुकर, तो ये डाला इसमें थोड़ा सा तेल, तो इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, थोड़ी सी आँच तेज कर देता हूँ हल्की सी, है कि नहीं। इसके बाद डालते हैं जीरा और राई। तो तेल गर्म हो चुका है, हम डालते हैं जीरा, सॉरी राई है ये, तो ये हो गई राई। तो अब डालते हैं जीरा,
थोड़ा सा ही। तो दोस्तों अब डालेंगे इसमें प्याज, तो दोस्तों प्याज लाल तो हो चुके हैं थोड़े से, अब इसमें डालेंगे टमाटर। तो ये है टमाटर, आवाज आ रही है आपको? तो अब इसमें एक एक करके डालते हैं हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला और धनिया और फिर नमक। स्वाद अनुसार अपने हिसाब से, और अब इन सबको मिला लेते हैं। तो गाइस ये सब मिक्स कर चुका हूँ मैं, और 2 मिनट ज़रा इसको पकने देते हैं, 1 मिनट 2 मिनट भी नहीं, और फिर उसके बाद डालते हैं दाल और चावल। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं थोड़े से पक गए हैं टमाटर, अब इसमें क्या करते हैं कि इसमें आप डाल देते हैं दाल और चावल। तो गाइस अब इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और थोड़ा सा लगेगा। बस इतना में हो जाएगा। तो उसके बाद गिरा ढक्कन, ये इसको लगाया, और ये ऐसे बैठ गया, डन। तो गाइस ये बन चुकी है अपनी खिचड़ी। थोड़ा सा चूड़ा ले आया था मैं, चिवड़ा तीखा मीठा, और ये रहा घी जो इसमें डाला हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको। तो बस खाते हैं, और खाने के बाद मिलते हैं आपसे। मुझे बताइएगा कमेंट में कैसी बनी, और अगर पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। सो है गाइस अपना खाना पीना हो चुका है, खिचड़ी खा के मज़ा आ गया, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ऐसा ही कि अभी दूध का प्रोग्राम चल रहा है हल्दी वाला, हल्दी वाला दूध तो हेल्दी रहता है जैसे कि आप सभी को मालूम है, और पीना भी चाहिए, कम से कम हफ्ते में एक दो बार तो पीना ही चाहिए, अच्छा रहता है। तो ये देखिए तो आइए चलिए हल्दी का दूध पीते। देखता हूँ ज़्यादा मीठा तो नहीं हुआ, ये भी देखना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, शक्कर भी नॉर्मल है, ज़्यादा नहीं डली। तो गाइस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आपको मालूम है क्या करना है,
और अगर चैनल बनाए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियोस लाइक करो और देखते रहो मेरे डेली ब्लॉग्स और सपोर्ट करें मुझे मेरा चैनल मोनेटाइज करने में। तो मिलते हैं कल एक नए दिन नई शुरुआत के साथ। तो गुड नाइट एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।